जय सत्यवंश दायनवे, जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का पवित्र 87वीं धर्मग्रंथ पाठ में। और सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, श्रद्धापूर्वक श्रवण एवं मनन करें और सब पर स्वामी जी कृपा बनी रहे। पिछले भाग हमने जाना, एक समय ऐसा आएगा कि मनुष्य ईश्वरीय गुणों से परिपूर्ण हो जाएगा, उसे ईश्वर के साक्षात दर्शन होंगे। इस घोषणा का क्या अर्थ है? तो शुरू करते हैं आज का सत्ताई। क्या 87वीं के श्रद्धालु ज्ञानीजन यह प्रश्न नहीं करेंगे कि 87वीं की उत्प्रेरणा महाज्ञान को धारण कर प्रस्तुत करने वाले पुरुष सत्येंद्र का व्यक्तिगत जीवन तो एकल्य ब्रह्मचर्य प्रदान रहा है, तब उन्होंने क्यों नहीं सक्रिय ब्रह्मचर्य के साथ गृहस्थ जीवन को अपनाया? इसका रहस्य अवश्य बताएं। उत्तर: हे भगवान, इसका यथार्थ उत्तर तो आपको पुरुष तत्व प्रधान होने के कारण देना चाहिए, परंतु जो आप जानते हैं वही मैं जानती हूँ। यही ज्ञान की अभेद अवस्था से मैं इस प्रश्न का उत्तर देती हूँ कि आपके पुरुष स्वरूप सत्येंद्र अपने पूर्वत पूर्व जन्मों में आत्म साक्षात्कार के विभिन्न स्वरूपों से अनुभवित रहे हैं। उन्होंने सनातन धर्म के चतुर्थ पद आश्रम व्यवस्था से आत्म साक्षात्कार किया है तथा इसके उपरांत आत्म जागृति रखते हुए आत्म आनंद हेतु नवीन जन्मों को धारण करते हुए जीवन गति कर रहे हैं। तब उन्होंने आत्म स्वभाव के कारणों को प्रत्येक अवस्था में रहकर जाना है और जाना कि एकल ब्रह्मचर्य से प्राप्त सिद्ध अवस्था में मनुष्य मात्र से एक स्वामी और दास अथवा निसहाय का संबंध बना रहता है कि आओ मैं तुम्हें समस्त रोग दोषों से मुक्ति दूंगा, तथा उसके लिए संकल्प से चमत्कार कर जन सामान्य को आत्मनिर्भर बनाने के स्थान पर एक व्यक्तित्व के अधीन बनाकर धीरे धीरे जनमानस की आत्म स्वभाव की आत्म उन्नति को अवरुद्ध कर पतन में डालते जाना है। और स्त्री तत्व को अपने से भिन्न रखकर माता बहन पुत्री स्वरूप में एक आदर्शवादी संबंध से तटस्थ किया जाता है, जिससे बस अपनी ब्रह्मचर्य सुरक्षा है, ना कि यथार्थ प्रेम का प्रचार है। मनुष्यों में धीरे धीरे यह धारणा का विकास होता है कि इस प्रकार के एकल ब्रह्मचर्य से अलौकिक शक्ति प्राप्त व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जो सर्व सामर्थ्यवाद व सुखी व सुखदाता है। अतः ईश्वर के प्रत्यक्ष द्वैत संपूर्ण स्वरूपी स्त्री व पुरुष के संबंधों को अपवित्र तथा दोषयुक्त व नीरस क्षणभंगुर मानकर सक्रिय ब्रह्मचर्य से तटस्थ हो जाते हैं, पतन को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही एकल ब्रह्मचर्य अवस्था को धारण कर अनेक पूर्व जन्म सिद्ध अवस्था में व्यतीत किए और मनुष्य समाज में प्रयोग करते रहे। इस बीच उन्होंने देखा कि स्त्री तत्व इस प्रकार की समस्त उपेक्षाओं के चलते हुए अनेक रूढ़िवादिता श्रृंखला से बंध कर एक ऐसे पतन के कारागार पर आकर खड़ा हो गया है, जहाँ स्त्री तत्व का अर्थ शैतान नामक शक्ति ने ग्रहण कर लिया है और एकमात्र पुरुष तत्व की ही ईश्वर और शैतान रूप में स्थापना हो गई, तथा परमपिता अथवा परमात्मा नामक एकमात्र पुरुष की ही उपासना संपूर्ण संसार में प्रचलन होता है। यह सब देखते व इसका व्यापक प्रभाव स्त्री जाति पर पड़ते देखकर यह भी जाना कि एकमात्र स्त्री शक्ति ही समाज के उत्थान और सर्वोच्चता प्राप्ति का प्रमुख साधन शक्ति है। यही स्त्री से पुरुष है, ना कि पुरुष से स्त्री है, तथा जितनी भी साधनाएं संसार में प्रचलित हैं उनमें स्त्री तत्व के त्रिगुण अवस्था की अधिकता में आकर्षण व विकर्षण संपूर्ण रूप से विद्यमान है। इसी आकर्षण से स्त्री तत्व ने पुरुष को रेचन कराकर सक्रिय भ्रम या सक्रिय ब्रह्मचर्य प्रदान कर दी है और स्वयं उस रेचन के बीज को अपने बीज से संयुक्त कर जो चाहे वो स्त्री या पुरुष की सृष्टि करती है और माता व पिता का अधिकार देती है। यही स्त्री तत्व ओंकार है, जो अपने दो स्वरूप में षोडशी से माँ तक संपूर्ण वर्णाक्षर से समस्त रूप समाज को देकर पुनः पुरुष तत्व को अपने आकर्षण से अपने साथ संयुक्त का प्रेमलय करती हुई सुप्त कर देती है, तथा पुनः पुनर्जागरण का अहम से एकोहम भविष्याम कहकर पुनः पुनः स्वयं सृष्टि करती सृष्टि चक्र चलाती है। जब भी स्त्री तत्व की उपेक्षा अथवा यों कहें कि आत्मदृष्टि से देखने पर स्त्री तत्व ही इस प्रकार स्वयं पुरुष तत्व के अहम की पराकाष्ठा पर स्वयं भ्रमित व स्तब्ध खड़ा एकल अवस्था में पाता है,
कि मैं ही सर्वत्र व्याप्त परमात्मा हूँ, मैं ही सृष्टिकर्ता भोक्ता आदि सगुण निर्गुण युक्त शेष हूँ। परंतु यह भ्रमित अज्ञान शीघ्र तब क्षीण होता है जब उसे वहाँ कोई भी शांति प्राप्त नहीं होती है। मात्र एक शक्ति के होने का निज अहंकार शेष प्रतीत होता है, तब वह इस शक्ति के द्वितीय केंद्र बिंदु को पुनः ढूंढता है। तब पुरुष तत्व की यही पुनर्खोज उसे उसी खोए हुए द्वितीय केंद्र बिंदु पर लाकर छोड़ती है। तब पुरुष तत्व देखता है कि जो मेरे सामने है वो वही तो है जिसने मुझे प्रेम चेतना देकर चैतन्य किया और लालन पालन प्रेम पोषण देकर पोषित किया और स्वयं को पीछे रख मुझे आगे जाने दिया, और मैं इसे ही भूल गया। यही मेरा मैं रूपी स्वयं अहंकार है, यही मैं स्वभाव के प्रेम को इस स्त्री तक बिन विस्मृत कर शुष्क शून्य हो गया हूँ। तब यह देख अनुभव कर पुनः दृष्टा से सृष्टा बनता है और तब यही उसका पुनः अहम रहित स्वयं समर्पण ही स्त्री तत्व के आकर्षण से पुनः उत्पन्न प्रेमाकर्षण कहलाता है। वो स्त्री से पुनः प्रेम प्रणय निवेदन करता है, तभी इसी समय का सर्वकाल से पुरुष द्वारा स्त्री के सामने सहसम्मान में झुककर अपनी प्रेम भेंट देकर प्रेम निवेदन करने का प्रचलन है। यहीं से पुनः प्रेम के 16 संस्कार प्रारंभ होकर प्रेम पूर्णिमा सत्याष्टमी का प्रकाट्य हुआ है, यही दिव्य प्रेम कहलाता है। इस अवस्था में लौटा पुरुष पूर्ण से युवक बनता है। चूँकि पुरुष तत्व सर्वकाल स्थिर तत्व है, उसमें बीज देने के प्रारंभ से अंत तक कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः पुरुष युवा है और पुरुष के पूर्ण अहम से पुनः स्त्री के समक्ष अहम रहित होकर उपस्थिति होने के समय पर स्त्री पुनः माँ से परिवर्तित होकर युवती षोडशी बन जाती है। चूँकि स्त्री में अहम नहीं है, वह केवल प्रेम है, वह अपने इस प्रेम स्वभाव के त्रि अवस्था रेचक पूरक कुंभक अर्थात आकर्षण पूर्णत व विकर्षण गुण से नित्य सक्रिय ब्रह्मचर्य ब्रह्मा से पुनः पुरुष के अहम रहित प्रेम को स्वीकार कर माँ बन उसे पिता व पालनकर्ता आदि रूपी अपना तथा अपने से उत्पन्न समस्त सृष्टि का परमेश्वर का पद प्रदान करती है। और पुरुष पुनः इसी प्रकार वृद्धि करता हुआ अहम से अहंकार तक पहुँचता पुनरावृत्ति करता रहता है। अतः सत्य में स्त्री ही सर्वकर्ता संपूर्ण व अहम रहित है, तभी उसका पुरुष को सर्वोच्चता देने में स्वय आनंद है। यही वह पुरुष के पीछे रह सर्व अवस्था में आनंदित रहती है। यह परम रहस्य जानकर सत्येन्द्र ने देखा कि वर्तमान कलयुग में पुनः पुरुष अपने अहम के सर्वोच्चता पर पहुंचकर शून्य व शुष्कवादी होकर अपने द्वितीय बिंदु केंद्र की पुनः खोज में लौट रहा है। तब यही ज्ञान अभिव्यक्ति का महाग्रंथ सत्याष्टमी का पुनर्जागरण आपके पुरुष अंश सत्येन्द्र द्वारा प्रकट होता प्रतीत हो रहा है, जो पुरुष तत्व का स्त्री तत्व के नज़दीक पहुंचकर प्रेम निवेदन व आत्म सहयोग है। तथा अब रही सत्येन्द्र के वर्तमान जीवन में भी ब्रह्मचर्य धारण का विषय, तो वह यह है कि उन्होंने जाना कि अनगिनत पूर्व जन्मों में केवल अंतर जगत के स्त्री पुरुष ऋण धन या इंगला पिंगला के रमण संघर्ष से उत्पन्न कुंडलनी जागरण के फलस्वरूप सिद्धावस्था के चलते बाहरी जगत के स्त्री तत्व की प्रधानता लुप्त प्राय हो गई, जिसके फलस्वरूप वो वर्तमान जीवन में एकल ब्रह्मचर्य परंतु सज्ञान ब्रह्मचर्य को प्राप्त हैं। तथा उन्होंने अपने अंदर जागृत स्त्री शक्ति अर्थात मैं सत्तई को सर्वत्र जगत में व्याप्त प्रत्यक्ष स्त्री शक्ति सत्तई का आवाहन आकर्षण किया है, ताकि केवल एक स्त्री का जागरण न होकर अधिक से अधिक स्त्री तत्व का जागरण हो तथा स्त्री को आनंद ही पुरुष का सहयोग लेकर सर्वधर्म को सर्वोच्चता तक अपनाना है। अतः स्त्री तत्व सत्य का ही सत्येन्द्र रूपी पुरुष शरीर में स्त्री पुरुष अंतर भारी सहयोग लेकर आत्मप्रश्नोत्तरी सत्याष्टमी महाज्ञान को तथा स्त्री तत्व को प्रत्यक्ष करना है। तथा इस शरीर की जगह
अगर स्त्री शरीर का चुनाव किया होता तो केवल स्त्री का स्त्रियों को लेकर स्वयं जागरण कहलाता, ना कि इसमें पुरुष तत्व का अहम का चरम उत्कर्ष से पुनः स्त्री के प्रति प्रेम जागरण प्राप्ति नहीं कहलाता। अतः इस प्रेम जागरण में पुरुष ही मुख्य है, अतः यही पुरुष शरीर सत्येन का चुनाव है। साथ ही गृहस्थ रूपी सत्येन के प्रति पिता व बंधुत्व का भाव बनता, जबकि अब एकमात्र ज्ञान अवस्था स्वतंत्र गुरु व एकमात्र समानतावादी व स्वेच्छित बंधन रहित ज्ञान में प्रेम का रूप है। अतः समस्त आवाहनित स्त्री शक्ति सत्यई यहाँ आकर शिष्य स्वरूप न होकर एकमात्र समानतावादी स्वरूप में अपना स्थान व अपना धर्म जानकर एकत्र होकर समस्त विश्व को भौतिक व आध्यात्मिक ज्ञान का संतुलन प्रदान करेगी। यहाँ स्त्री की स्वेच्छा है जो सत्येन में अपने किस स्वेच्छित संबंध को ढूंढकर स्थायित्व प्रदान करती है, अन्यथा सत्येन की कोई व्यक्तिगत स्वेच्छा व संबंध का स्त्री तत्व में चुनाव करना स्त्री शक्ति को बंधन देना होगा, ना कि स्वतंत्रता प्रदान कर एकमात्र अपना सहयोग देना होगा। और यही सत्येन द्वारा यहाँ स्त्री शक्ति की महानता और पूर्णत्व का निम्न बिंदुओं द्वारा महत्व दर्शाया गया है कि सबसे पहला, स्त्री पुरुष को प्रेरित कर स्वयं के प्रेम प्रतिदान के विषय में आत्म आलोचना कवित्व प्रेम भरे शास्त्र लेखन कराकर आत्म प्रशंसा से अभिभूत होती है, अतः स्त्री लेखन क्यों करे। दूसरा, स्त्री के संपूर्ण भाव ने ही पुरुष को अपने आनंद के कारण ही प्रगति का श्रेय लेने का अहम प्रदान किया है। तीसरा, स्त्री शक्ति स्वयं कुंडलिनी शक्ति होने के कारण स्वयं अहम रहित अवस्था में शांति स्वरूप प्रकाशित चैतन्य व प्रकट है, अतः वही पुरुष तत्व को अपना स्वयं जागरण देकर जागृत सृष्टि करने को प्रेरित व विस्तारित कर पुनः स्वयं के साथ प्रेम लेकर शांति देती है। चौथा, कभी कभी आध्यात्मिक समर्पण करने का भाव से स्त्री शक्ति स्वयं के स्वरूप को विस्मृत कर जाती है, जिसके कारण पुरुष तत्व विकृत व असंतुलित अवस्था को प्राप्त हो जाता है। यही पुरुष का अहम है, तब स्त्री शक्ति के अभिताप से तप कर पुनः जागृत होती है और अपनी विस्मृति से जागृत होकर पुनः पुरुषत्व को संतुलित करती है। यही वर्तमान कलयुग की समाप्ति समय है और इसके बाद ही सिद्ध युग आएगा, जहां महारमण घटित होगा और यथार्थ स्त्री के चतुर्थ युग प्रेम युग का उदय व पूर्ण प्रकाश होगा। आज के भाग हमने जाना कि सत्यास्मी की उत्प्रेरणा महाज्ञान को धारण प्रस्तुत करने वाले पुरुष सत्येंद्र यानी सत्साहेब हमारे गुरुजी का व्यक्तिगत जीवन में एकल ब्रह्मचर्य प्रदान रहा है, तब उन्होंने सक्रिय ब्रह्मचर्य अर्थात या गृहस्थ जीवन क्यों नहीं अपनाया, इस महाज्ञान का रहस्य हमने आज प्राप्त किया। तो सभी धर्म प्रेमी व जिज्ञासुओं से निवेदन है इस महाज्ञान का रहस्य और ज्ञान को प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाए। सब पर स्वामी जी की कृपा हमारे गुरुदेव की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज विश्राम लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगले अंक में। जय सत्यम दायन में जय गुरुदेव।